हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो आज हम आपके सामने लेके आए हैं पॉइंट टू पॉइंट जीके, और आज का हमारा टॉपिक है आंग्ल मैसूर युद्ध। चलिए तो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ। देखो, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से लेके 1769 ईस्वी तक। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1780 से लेके 1784 ईस्वी तक। गवर्नर जनरल था इसमें वारन हेस्टिंग्स। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1790 से 1792 तक। इसका गवर्नर जनरल था इसमें कार्नवालिस। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, इसमें गवर्नर जनरल था लॉर्ड वेलेजन। और इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें तो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और फोर्थ नंबर पर टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। इस युद्ध में मराठा, हैदराबाद के निजाम एवं अंग्रेजों की संयुक्त सेना मैसूर के खिलाफ लड़ रही थी। अब सोच लो उस टाइम पे कितनी यूनिटी थी लोगों में, यहाँ के लोग ही मिलके उनको हरवा रहे थे। टीपू की मृत्यु श्रीरंगपट्टम की आखिरी युद्ध यानी कि चतुर्थ आंग्ल युद्ध में के दौरान 1799 में हो गई थी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था। टीपू सुल्तान ने राष्ट्रीय झंडे पर शेर की तस्वीर होती थी, मतलब शेर की तस्वीर छापी थी इसने अपने झंडे पर। 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों ने सर आयाकूट के नेतृत्व में और लाली के नेतृत्व में वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। ये नोट है और इम्पोर्टेंट है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है इस नोट को। अब देखो, इसके दौरान हुई थी कुछ महत्वपूर्ण संधियां, उन्हें भी देख लेते हैं क्योंकि एग्जाम में इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। महत्वपूर्ण संधियाँ थी, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ खत्म हुआ तो मद्रास की संधि हुई थी 1769 में। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ तो मंगलोर की संधि हुई थी 1784 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म हुआ तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी 1792 में। ओके, चलिए तो गाइस रिकॉल करते रहिए। बाय।